सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ थर्ड वीडियो, जो होगी आपके फेस पैक से रिलेटेड। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो रही हैं, तो आपकी स्किन वेरी मच डल हो रही है और आपके फेस में पिंपल हो रहे हैं, जैसे मेरे फेस पे हो रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए एक एक होममेड रेमेडी लेके आई हूँ, बिल्कुल ईजी। और इसमें ओनली 3 चीज़ें इंक्लूड होगी। फर्स्ट वन इज़ योर नेस्कैफे कॉफ़ी पाउडर, सेकेंड वन इज़ योर वाइट शुगर, एंड थर्ड वन इज़ योर एलोवेरा जेल। आप एलोवेरा जेल होममेड भी यूज़ कर सकते हैं, और पतंजलि, और आपकी चॉइस है, जो मर्जी आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रही वो 3 चीज़ें जिससे यूज़ करके फेस पैक बनेगा। फर्स्ट वन इज़ योर एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल इज़ फ्रॉम पतंजलि, और इसकी कॉस्ट है 45 रुपीज़, ईज़िली आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज़ योर शुगर, ये ईज़िली आपको घर में मिल जाएगी, ठीक है, वाइट शुगर। एंड द लास्ट वन इज़ योर नेस्कैफे कॉफ़ी पाउडर, और ये 2 रुपीज़ का है, सो आप ईज़िली परचेज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम एलोवेरा 1/2 स्पून लूँगी, लाइक दिस, ओके। फिर मैं उसके बाद लूँगी नेस्कैफे कॉफ़ी पाउडर, उसमें मिक्स कर दूँगी। जितना आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी में आप ले सकते हो, ठीक है। फिर तीनों मिक्स कर दिए अच्छी तरह। अगर आपको एलोवेरा जेल कम लगे तो इसमें और डाल सकते हो आप, जैसे मेरे को कम लगती है तो मैं और डालती हूँ। मैंने और डाल ली है, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इस फेस पैक को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चलो मिक्स कर लेते हैं तब तक। इसको मिक्स करके फिर हमारा फेस पैक कुछ इस तरह दिखेगा। आपको बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है, ताकि वो सब चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए, और कॉफ़ी पाउडर भी अच्छी तरह शुगर और एलोवेरा जेल में मेल्ट हो जाए। फिर इसकी तरह आपको पूरा मतलब घुमाते रहना, तब जाके ये बनेगा, ठीक है। अब जो ये पेस्ट है, इसको हम फेस पे लगाएंगे, फेस पे प्रॉपर 10 मिनट तक रखेंगे, फिर हम वॉश कर देंगे। मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया ये फेस पैक, और कॉफ़ी जो है एक वेरी बहुत अच्छी होती है हमारे फेस के लिए, जिससे हमारा फेस ग्लो भी करता है। मैंने अपने नेक पे भी लगा लिया, क्योंकि अगर आपके नेक में भी डलनेस है तो आप नेक पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फिर फेस और नेक फिर एक जैसे लगेंगे। अगर आपके हाथ और पैर भी थोड़ी मतलब डलनेस आ गई है, तो आप हाथ और पैर में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रखेंगे, 10 मिनट के बाद इसको हम पानी के साथ धो देंगे। चलो उसके बाद हम रिज़ल्ट देखते हैं, क्या रिज़ल्ट आता है। बाय बाय। मैंने अपना मुंह अब धो लिया है, आप देख सकते हो मैंने पूरे 10 मिनट रखा है इसे। अगर आप हफ्ते में 1-2 बार करेंगे तो आपको फ़र्क अब पक्का दिखेगा। फेस वॉश कर लिया है, उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँगी आयूर का, लिटिल बिट लूँगी, गिर गया सॉरी, थोड़ा सा लूँगी, इतना मिनिमम मैंने अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पर। नेक पे भी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर और ऐसी वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ लाइक करना मेरी वीडियो को, एंड थैंक यू, बाय बाय, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो।